सुने, पाताल सुने, मैं सूर्यवंशी रामचंद्र प्रण करता हूं कि पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करवाऊंगा। दोस्तों, रणवीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल रिलीज होने के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के मुताबिक यह उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है। इसी बीच रणवीर कपूर की एक और बड़े बजट की फिल्म आने वाली है। दरअसल रणवीर कपूर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण का हिस्सा बनने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट की शूटिंग मुंबई में शुरू हो चुकी है, लेकिन फिल्म के लीड एक्टर्स की शूटिंग मार्च से शुरू की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 20 दिनों से इस फिल्म की शूटिंग जारी है, अभी यह आगे एक महीने और चलने वाली है। दरअसल रामायण में लीड रोल के साथ साथ सैकड़ों कई और रोल भी हैं जिनकी शूटिंग अभी चल रही है। फिल्म के लीड एक्टर रणवीर कपूर, साई पल्लवी और KGF एक्टर यश मार्च महीने से फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। फिल्म रामायण में रणवीर कपूर भगवान श्री राम के रोल में नजर आएंगे। वहीं रावण के किरदार में हमें साउथ के सुपरस्टार यश देखने को मिलने वाले हैं और इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। इस फिल्म में नितेश तिवारी ने मां सीता के रोल के लिए तमिल एक्ट्रेस साई पल्लवी को कास्ट करने का फैसला लिया है। साई पल्लवी इस फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। इससे पहले दीपिका पादुकोण और फिर आलिया भट्ट को मां सीता के रोल के लिए कास्ट करने की बात सामने आई थी। हालांकि अब साई पल्लवी को इस रोल के लिए फाइनल कर दिया है। अब इस फिल्म को लेकर सबसे मोस्ट अपडेट सामने आई है, वो है हनुमान जी के किरदार को लेकर। डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। मेकर्स ने बताया कि भगवान हनुमान ताकत के प्रतीक हैं और फिल्म इंडस्ट्री में बजरंगबली के किरदार को सही ढंग से फिल्मी पर्दे पर सनी देओल से बेहतर दूसरा कोई नहीं निभा सकता। वहीं सनी देओल भी इस रोल को प्ले करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और वो इस रोल के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। वैसे रामायण फिल्म की स्टार कास्ट काफ़ी अच्छी खासी लंबी देखने को मिलेगी और इस मूवी को पूरे 3 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म की स्टार कास्ट कैसी लगी और आप इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी फिल्मों से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।